कारगिल युद्ध का वो योद्धा जिसने जंग में जाने से पहले अपने बचपन के प्यार को देने के लिए एक अंगूठी अपने सीनियर को सौंपी और कहा कि ये अंगूठी उनके होने वाली मंगेतर को दे दे। ये वाक्य युद्ध में जा रहे योद्धा के मन की पूरी व्यथा को बयां कर रहा है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारे देश के शूरवीरों और उनके शौर्य को जानना देश के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। कारगिल युद्ध को 22 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं। जिस युद्ध में हमारे जवानों ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाकर विजय हासिल की और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उस युद्ध में कई वीरों ने भी भारत की जीत को अपने पवित्र खून से हमेशा हमेशा के लिए लिख डाला। इस युद्ध में एक हीरो थे कैप्टन अनुज नायर, जो मात्र 25 साल की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। इस वीर की एक और ख्वाहिश थी अपने बचपन के प्यार के साथ जिंदगी बिताने की और दूसरी ओर सपना था अपनी मातृभूमि को दुश्मनों के चुंगल से छुड़ाने की, जो साकार भी हुआ। मगर प्यार की बाजी में ये योद्धा हार गया। कैप्टन अनुज अपने बचपन के प्यार से सगाई करने के लिए घर जाने ही वाले थे कि तभी कारगिल युद्ध का शंख बज गया, जिसके लिए कैप्टन अनुज को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। इस युद्ध में 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नायर को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। टाइगर हिल के पश्चिम में 0.4875 के एक हिस्से पिंपल कॉम्प्लेक्स को खाली कराने की जिम्मेदारी। 0.4875 की यह पोस्ट करीबन 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई से दुश्मन हमारी सेना को आसानी से टारगेट कर पा रहे थे और अगर इस पोस्ट से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया जाए तो आगे की राह काफी आसान हो जाएगी। तो इसलिए एक दल के साथ कैप्टन नायर ने 6 जुलाई की रात को चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ाई बेहद मुश्किलों भरी थी मगर कैप्टन नायर और उनकी टोली के सामने नहीं जीत पाई। उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी तरह इस पोस्ट को दुश्मनों के चुंगल से छुड़ा कर रहेंगे, मगर दुश्मनों को कैप्टन अनुज और उनके साथियों के आने की भनक लग गई थी, जिसके बाद दुश्मनों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कैप्टन और उनकी टीम ने भी दुश्मनों को करारा जवाब दिया और अकेले ही कैप्टन अनुज ने 9 घुसपैठियों को मार गिराया, जिस दौरान वो भी घायल हो गए। मगर घायल अवस्था में ही कैप्टन अनुज नायर ने मशीन गन से बंकर को तबाह कर दिया। मगर जैसे ही वह विजय का तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी दुश्मन का एक ग्रेनेड सीधा उनके ऊपर आकर पड़ा और वो शहीद हो गए। इसी बीच पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वापस 0.4875 पर कब्जा करना चाहा, लेकिन पीछे से दूसरी टीम के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा पहुंच चुके थे और उन्होंने घुसपैठियों को फिर से यहां से खदेड़ दिया। लेकिन तिरंगा फहराने से पहले ही विक्रम बत्रा भी दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गए और वो देश के लिए शहीद हो गए। हालांकि 4875 पर 7 जुलाई को ही झंडा फहरा दिया गया था। जब कैप्टन अनुज नायर जंग पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने सीनियर को एक अंगूठी दी और कहा था कि ये अंगूठी उनकी होने वाली मंगेतर को दे दे। सीनियर ने कहा कि तुम खुद दे देना, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जंग पर जा रहा हूँ, वापिस लौटूंगा या नहीं पता नहीं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि लौट आया तो खुद दे दूंगा, वरना आप इसे मेरे घर भेज देना और मेरा संदेश भी दे देना। ये दुर्भाग्य की बात है कि रणभूमि से अनुज कभी वापस नहीं लौट सके। लौटा तो तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर। जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर दिल्ली पहुंचा तो उनके परिवार के साथ एक लड़की भी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो लड़की थी उनकी मंगेतर सिमरन, जिसके लिए अनुज ने लड़ाई में जाने से पहले अपने सीनियर को अंगूठी दी थी। कैप्टन अनुज नायर को युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से नवाजा गया।